वकास, कैसा पिच को आज आपने पाया? आज आपने 2 विकेट्स ली हैं ऊपर से, तो कैसी कंडीशंस देख रहे हैं? और सिंध इस वक्त आपके करीब आती जा रही है स्कोर के, आपके फर्स्ट इनिंग स्कोर के, तो मैच को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? जैसे विकेट तो आसान नहीं था, स्पेशली बैटिंग के लिए भी और बॉलिंग के लिए। अगर आप एक जगह पे एक लाइन पे बॉल करते हैं तो आपको सक्सेस होती है, जैसे कि हमें शुरू में हुई भी है। हमने बड़ी अच्छी बॉलिंग की सब बॉलरों ने, एक टीम यूनिट की तरह। और ऐसा ही था कि एक जगह पे जो प्लान मिला था वहां पे बॉलिंग कर रहे थे। और जैसा कि अभी लास्ट में पार्टनरशिप लगी है ताबिश और फवाद भाई की, तो अभी अभी वो अभी भी हमारे रन मेरे ख्याल से 7-8 रन पीछे हैं। तो सुबह नया बॉल आएगा तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी उन्हें आउट किया जाए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुलेमान और अली हसन से कि वो क्वेश्चन कर लें। पहले सुलेमान, आप कर लें। वकास, आज पहला गेंद आपने नो बॉल किया, लेकिन नई गेंद के साथ आपने सिंध को हिला के रख दिया। और 47 ओवर तक सिंध की जानिब से कोई बाउंड्रीज नहीं मिली, आपने बांध के रखा। लेकिन गेंद जब पुराना हुआ तो वो पावर, वो एनर्जी नजर नहीं आई जो स्टार्ट में थी। जी बिल्कुल, जैसे स्टार्ट हुआ था हमारा, हमने जल्दी आउट किए थे और अर्ली ऑन बॉल भी नया था। और अभी सेकंड में जो अभी थोड़ा बॉल सॉफ्ट हो गया था, जिसकी वजह से जान लग रही थी लेकिन उस तरह से बॉल जा नहीं, कैरी नहीं हो रहा था। कोशिश यही थी कि उन्हें जल्दी से जल्दी आउट किया जाए। बस उसमें एक उनको भी क्रेडिट जाता है कि वो बड़ा अच्छा खेले हैं, फवाद भाई के साथ ताबिश बड़ा अच्छा खेला है। लेकिन हमारी अब कोशिश यही होगी, हम जल्दी से जल्दी उन्हें आउट करने की कोशिश करें और पॉइंट्स लें। जी अली, अच्छा वकास, मेरी आपको आवाज सही आ रही है? जी, वकास, टीम से इन आउट का सिलसिला हर खिलाड़ी की लाइफ में होता ही है, तो आप समझते हैं कि अभी ये डोमेस्टिक क्रिकेट से आपको मोटिवेट हो जाएंगे कि आगे के लिए मजीद तैयार हो सकें? क्योंकि टूवर्ड्स ही टूवर्ड्स है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो अपने आप को भी किस मुकाम पे खड़ा देखते हैं आप? जी बिल्कुल, फोकस होता है, हर हर प्लेयर का एक ही फोकस है, मतलब वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करे और पाकिस्तान के लिए खेले। मेरा भी ऐसे ही है, अभी जैसे रिसेंटली सारी, अल्लाह का शुक्र है, सारी क्रिकेट खेल रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से एक मैच खेला हूँ, उस तरह परफॉर्म 2 आउट किए हैं, लेकिन अभी ये है कमबैक के लिए बस मेहनत कर रहा हूँ। और कोविड में भी जैसे था अपने तौर पर जितना भी हो सका हम कर रहे थे, और कोशिश यही है के परफॉर्म करूं, ट्रॉफी एक प्लेटफॉर्म मिला है अब, और अच्छा करूं और कमबैक करूं किसी भी फॉर्मेट में। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिजान लखानी से। फिजान, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। थैंक यू हसन। खास सवाल ये करना है कि जो ट्रॉफी में जो पॉइंट्स का जो सिस्टम है, जो बोनस पॉइंट्स वगैरह है बैटिंग के लिए भी बॉलिंग के लिए भी, ये प्लेयर्स को कितना मोटिवेट करते हैं, कितना एनकरेज करते हैं टू गो फॉर किल वाली सिचुएशन के लिए कि यार अपना 100% ही दे दे, और जहाँ ये जो एक इंसेंटिव है पॉइंट्स का, वो टीमों को कहीं भी रिलैक्स होने का मौका नहीं देती। इस चीज को आप किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल सही बात कही आपने, जैसे कल हम आउट हो गए थे तो हमारे जेन में भी यही था कि हम सिंध की टीम को 200 से नीचे पकड़े, और एक एक्स्ट्रा मेरे ख्याल से बोनस पॉइंट है 200 के नीचे आउट करने के लिए, तो वो हम हासिल करें। और हमारी कोशिश यही थी कि जैसे हमने अर्ली ऑन आउट किए हैं और उसके बाद टी का सेशन हमने बड़ा अच्छा किया है, बट एंड वाला सेशन थोड़ा सा इसलिए बुरा हुआ है कि हम लोग वहाँ पे विकेट नहीं निकाल सके, लेकिन क्रेडिट जाता है उनको भी, वो अच्छा खेले हैं। और वाकई में ये सही बात है कि पॉइंट सिस्टम ऐसा है कि आप मतलब हर टाइम कोशिश करते रहते हो कि एक जो सर्टन ओवर है, लिमिट है वहां पे, उससे उससे पहले पहले आप ज्यादा से ज्यादा आउट करो और अपने पॉइंट्स हासिल करो, और एफर्ट करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा साइन है मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच वकास आपके वक्त का। अब हम सिंध से जल्दी दूसरे प्लेयर हमें ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू सो मच वकास। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आवाज आ रही फवाद आपको मेरी? फवाद, मेरा सवाल ये है कि कल जैसे क्या मुझे आदमी कहा कि पिच जो है वो काफ़ी मुश्किल लग रही है, और हर गुजरते वक्त के साथ बल्लेबाजों के लिए बड़ी मुश्किल होगी। आज आपने बड़ा जो है वो एक अच्छा सिंध की तरफ से आप खड़े रहे, और अभी तक भी आप नॉट आउट हैं 90 पे, तो पिच को आपने कैसा पाया? गो के सेंटर के बॉलर अच्छी बॉलिंग करते, लेकिन आप जो है मुसलसल डटे रहे इस पर। पिच हेल्पफुल है बॉलर्स के लिए आई थिंक, क्योंकि
सनी अभी बॉल इस तरह जिस तरह होना चाहिए बल्ले पे ऐसा आ नहीं रहा, कभी किक भी कर रहा है और चल भी रहा है बॉल। आई थिंक बॉलिंग के लिए अच्छी पैराडाइज विकेट है, और ये लेकिन यही है कि बैटिंग को ये है कि जितना वो टाइम लेंगे तो रन्स भी मौजूद हैं, बट इतने आसान रन्स मौजूद नहीं है। और हमने जब पिच देखा था तो बात यही होती कि लो स्कोरिंग मैच ही होना है ये। सो लेकिन इसमें ये है कि जो अच्छा खेल गया और जो अपने आप को मतलब स्टेबल कर गया इस चीजों में, सो सेकंड इनिंग के लिए और अच्छा हो जाएगा। फैजान और फिर मुजम्मिल। फैजान अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से फैजान को शायद आवाज नहीं आ रही। मुजम्मिल आप पहले क्वेश्चन कर लें, फिर फैजान के पास वापस जाते हैं। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? जी, फवाद, मेरा आपसे सवाल ये है कि सिंध ऑब्वियसली 207 अच्छा पकड़ लिया था सेंट्रल पंजाब को, उसके बाद सिंध ने भी विकेट लूज किए। अब आप टेल एंडर्स के साथ कल भी बैटिंग करें तो क्या एम कर रहे हैं, कितना स्कोर होगा जो फिर आप सेकेंड इनिंग में उनको रिस्ट्रिक्ट करके जीतने की तरफ जाएंगे? देखिए मैच अभी ऑन है क्योंकि मैच अभी 50-50 है और अच्छा कमबैक किया बैटिंग में हम लोगों ने दोबारा। सो होपफुली इसको जितना हम आगे लेके जा सकें उतना हमारी टीम के लिए फायदा होगा, बॉलिंग साइड के लिए ज्यादा फायदा होगा। फिर ये है कि हम बॉलिंग करने आएंगे तो ताकि हमारे पास रन मौजूद हों, पहला हमारा एम ये है कि जितना हम खेल सकें और जितना रन और जो है बना सकें इस पे, सो हमारी टीम के लिए बेहतर होगा। जी फैजान। फवाद, माशाल्लाह 35वीं सेंचुरी की जानिब आप गामजन है, हमेशा अच्छे रन करते हैं। अभी आपको चांस भी मिला था, लेकिन जिस तरह का आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है वो टेस्ट में वो फड़क थोड़ी सी मिसिंग थी। क्या वजह रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि फवाद काफी अरसा इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहने के बाद सिर्फ डोमेस्टिक का ही रह गया और कुछ इसके इसमें कहीं तशदीगी आ गई है उसकी कारकर्दगी में? ये कौन आपने बोला डोमेस्टिक का रह गया फवाद? ये मैं नहीं, एक तासुर कहीं ऐसे ना, आप मुझे पहले बोलें, अगर आप कमेंट्स दे रहे हैं मुझे तो फिर मैं आप ये कह रहा हूं कि क्या ये तासुर ऐसा मुनासिब है? नहीं है, किसी ने मुझे ये बोला? ये आप अगर दोबारा मुझे कहें। कमेंट दे रहे हैं तो लेट मी नो, देन मैं आई आंसर यू। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये तासुर अगर है तो ऐसा दुरुस्त आपने है? कहा कि लोग कह रहे हैं, आप मुझे पहले इसका क्लियर करें फिर मैं आंसर दूंगा। नहीं, मैं मेरी राय तो कोई वैल्यू नहीं करती ना। अब जो एक तासुर मेरी बनता तरफ है, से आप सवाल ऐसा कर रहे हैं, ता, तो आप कह रहे हैं कि राय तासुर वैसे नहीं करती, फवाद, फवाद तासुर किसी इंडिविजुअल का नहीं होता। आई आई थिंक इसको तासुर किसी स्किप करते हैं फैजान, इसको स्किप करते हैं, हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइम हमारे पास कम है। सुलेमान आप क्वेश्चन करना चाह रहे थे, फिर इसके पास रैप अप करते हैं। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। महमूद भाई का सवाल ही नहीं है। फवाद मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है सर। अच्छा फवाद भाई, आपके इब्तदाई बल्लेबाजों ने खुद विकेट दी, जो शॉर्ट सिलेक्शन था वो उनका ठीक नहीं था, और जब आपकी 6 विकेटें गिर गई तो आपकी और ताबिश के दरमियान जो विकेटों के दरमियान जो रनिंग थी वो भी काफी मुतासिर को नहीं थी, कहीं मौके पर आप लोग बचे, तो क्या कमी के फुकतान था या प्रेशर आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सके? देखिए, जब शॉट्स बैट्समैन मारता है तो आउट भी होता है, ज़ाहिर है गलती करता है। सो आई थिंक सब अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे थे, टाइम भी गुजारा जो है लड़कों ने, ओपनर्स ने हमारा बहुत अच्छा स्टार्ट लिया। अनफॉर्चुनेटली खुर्रम बहुत ज़बरदस्त खेला, फिर भी उसको बॉल ऐसा हुआ लाइक वो किक हो गया तो वो आउट हो गया। बाकी हमारे बैट्समैन अच्छा खेले। देखें अभी शुरुआत है, आई थिंक पहली इनिंग है जी, अभी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि दोबारा से आप T20 और हर चीज़ों से फर्स्ट क्लास खेले हुए, आपको साल हो गया है, साल बाद आप दोबारा डोमेस्टिक में आते हो, 4 डे क्राइटेरिया सारी चीज़ें आपको जो है मैनेज करनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो बैट्समैन जब होंगे उस तरफ, सो ये है कि और ज्यादा आपको अच्छा नजर आएगा। और होपफुली हमारी जो बैटिंग है इंशाल्लाह वो बड़ी जबरदस्त है और एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, सारे पाकिस्तान दो प्लेयर तो हमारे पास ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान से इतने अरसे से खेल रहे हैं, कप्तान भी रह चुका है SFP। सो आई थिंक डेप्थ बहुत है, और अभी जो सो फार आपने जैसे टेल एंडर के साथ जब बैटिंग होती है तो रनिंग में ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है, तो बैट्समैन को देखना पड़ता है कि वो भी पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, तो इस तरह थोड़ी बहुत चीजें चलती रहती है। तो आई थिंक क्योंकि वो ही पहला मैच है तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा होता है, बट स्टिल जैसे जैसे मैचेस चलते रहेंगे तो होपफुली हम जो है ये जो तालमेल है ना हम लोग की वो भी सही होगी। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं महमूद भाई आपसे।
अच्छा फवाद, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी इनिंग खेली। पिछला सीजन भी हमने देखा था कि रन्स के ढेर बन रहे थे, इस दफा जो है वो बड़ी जल्दी जल्दी विकेट गिन रही है। पिछली दफा कहा गया कि खिलाड़ियों को जरा लंबी इनिंग खेलने की आदत होनी चाहिए, बॉल जान मारे, तो आप समझते नहीं कि बिल्कुल इस साल चेंज हो गई। महमूद भाई अभी पहला मैच है यार, विकेटों का जो बिहेवियर है, एक इनिंग है यार, तो मेरे ख्याल से देखिए वही बात है, क्योंकि अभी सब T20 से भी आए हैं, हर चीज है उसको, आपको आपको पता है कि बीइंग अ प्रोफेशनल थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि तो आपको इस सिनारियो में आना पड़ेगा, तो आई थिंक वो भी थोड़ी चीज है। और बाकी जो ये चीजें जो आपने सवाल आपका बिल्कुल वैलिड है, बट इसको यही है कि हमने ही टैकल करना है, जितने बैट्समैन हैं आई थिंक देखें, चाहे मुश्किल हो चाहे आसान सिचुएशन, आपको परफॉर्म तो करना है, आपको डिलीवर तो करना है। सो जो अच्छा होगा, जो अपने अंदर पेशेंस रखेगा तो वो डिलीवर करेगा, और अल्लाह ताला भी उसकी हेल्प करता है। तो आई थिंक पहली पहली इनिंग है, पहला पहला मैच है, होपफुली जो भी जितने भी बैट्समैन हैं पूरे ओवरऑल जो हम ये डोमेस्टिक खेल रहे हैं, सो इंशाल्लाह आगे आपको अच्छा करते हुए नजर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।